हाय ऑल, आई होप आप सब बिल्कुल सही हैं। सो आज हम बात करेंगे यूएसए के बारे में, सम इनसाइट्स अबाउट यूएसए कि क्यों स्टूडेंट का जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहता है वो रहता है यूएस। तो आज हमारे साथ हैं मिस जसलीन कौर, शी इज द कंट्री मैनेजर फॉर यूएसए वेस्टर्न ओवरसीज। हाय मैम, वेलकम टू द शो। हाय मैम, हाउ आर यू? गुड मैम। मैम, तो आप थोड़ा यूएस के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे ऑडियंस को बताए कि व्हाई शुड अ स्टूडेंट चूज यूएसए। वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं इस चीज को आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मैम यूएस में जो पढ़ना है बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम नहीं पढ़ पाते कि उसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है या हमें इतने फंड शो नहीं हो जाते। बट ये एक मिथी है, हम यूएस का वीजा बहुत इजीली ले सकते हैं, जिसमें हमें जो हमारी ट्यूशन फीस होती है वो हमें आफ्टर वीजा भरनी होती है। इसलिए जो हमें फंड्स भी इसमें चाहिए ना, हमें वन डे ओल्ड फंड चाहिए। इसमें बहुत सारी कंट्रीज में है जैसे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में कि हमें 3 मंथ्स के फंड चाहिए, बट यूएस इज द ओनली कंट्री जहां आप वन डे ओल्ड फंड्स भी शो कर सकते हो और इजिली अपना यूएस का वीजा ग्रांट कर सकते हो। राइट। और मैम एक और, जैसे आप मिथ्स की बात कर ही रहे हो, तो एक और मिथ है कि यूएस इज अ कंट्री जहां आप सिर्फ पढ़ने जा सकते हो, देयर इज नो अदर अपॉर्चुनिटीज, की बहुत टेम्पररी स्टे रहता है स्टूडेंट का उसमें। हाउ कैन वी हेल्प इस चीज में? अभी रिसेंटली यूएस ने रूल चेंज किया है, अगर आपका स्टेम कोर्स है तो आपको 3 इयर्स का वर्क राइट मिलेगा। अपने ही वर्क राइट में आप H1B वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो अब यूएस इतना मुश्किल नहीं है, अब आप इजिली PR भी ले सकते हो और अपनी यूनिवर्सिटी सेम रखोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैम वहां जाके ना अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करवा देते हैं, कि यहाँ से हम यूनिवर्सिटी की $20,000-$30,000 फीस ले लेते हैं और वहां जाके हमें लगता है कि हम पे नहीं कर पाएंगे, तो हम SU से डिग्री ऑप्ट कर लेते हैं या हम कॉलेज ऑप्ट कर लेते हैं जहां फीस स्ट्रक्चर बड़ा कम हो। तो इस चीज में, इस प्रॉब्लम में आपको PR मिलनी मुश्किल हो जाती है, आपको आपका वर्क परमिट भी नहीं मिलता। तो स्टूडेंट्स को मेरी यही रिक्वेस्ट है, जिस यूनिवर्सिटी का आपका वीजा लगा है उसी यूनिवर्सिटी में आप आगे स्टडी करो, उसी यूनिवर्सिटी में आप अपनी OPT लो, वर्क परमिट लो, देन यू कैन अप्लाई फॉर योर PR। ओह दैट्स ग्रेट। सो आई होप कि स्टूडेंट्स को इस चीज की अवेयरनेस हो गई कि यस, यूएस में स्टडी करना या रहना इज यू नो एक्सपेंसिव है या फिर नहीं रह सकते, इट्स अ मिथ। एंड आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इट्स नॉट अ मिथ, यू कैन एक्चुअली क्रिएट इट टू रियलिटी। यस, यू कैन इजीली क्रिएट योर ड्रीम्स व्हाइल स्टार्टिंग इन योर ओन ड्रीम डेस्टिनेशन। राइट। सो मैम आगे आई विल आस्क यू कि अब जैसे स्टूडेंट ने क्लास 12 पास करी, राइट, सो व्हाट इज द बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया एकेडमिक्स में या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर्स में, क्या बेसिक क्राइटेरिया स्टूडेंट को लेके चलना है? मोस्टली बच्चे प्रेफर करते हैं कि मेरा IELTS का कम स्कोर हो गया है या मेरा इनटेक निकल गया है। यूएस एक ऐसी कंट्री है जो आपको एडमिशन आपके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी दे सकती है, दैट मीन्स दैट योर लास्ट क्वालिफिकेशन शुड बी इन इंग्लिश एंड यू कैन अप्लाई फॉर योर बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री। रेस्ट अबाउट द रिक्वायरमेंट फॉर द IELTS, फॉर द बैचलर स्टूडेंट्स वी नीड जस्ट 6, नॉट लेस देन 5.5, and if you are applying for the masters then again we need 6.5, not less than 6, and we have many other universities which are taking application on the MOI basis also. That's great. And ma'am, academics ka kya requirement hai? Academics you can take 60% and above in any of your streams. We don't need any major 4, major 3, we need overall 60% marks in your bachelor's or master degree. Then I think it's easy to step in. It's very easy country to apply and to get visa. Right. Or ma'am, what are the intakes and what is the best time to apply for students? Recently we are having a summer intake, that is May or June, then we can apply for September 2024 intake. But according to the US, now intake is not a problem for us, you can give interview 365 days before also. Okay. So if you are wish to apply for September intake also, you can give your interview in Feb and March also. So it's not problem now for USA, you can take your interview in any of the months you want to take. I think aaj ke liye we have a lot of insights for USA. So next time we'll get on to more details and hum aapke liye aur bhi universities ke bare mein information lekar aayenge. Have a great day and you can always contact Western Overseas. Thank you.